तो दोस्तों आज हम न्यू वीडियो एंड क्लास के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर हमारा एक्सेल पार्ट चल रहा है। होम टैब के अंदर आज हम आपको सिखाने वाले हैं सेल पार्ट। यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर एक्सेल जैसे ही ओपन करेंगे तो होम टैब के अंदर जा करके आपका यहाँ पे मिलेगा सेल, CELL सेल पार्ट है होम टैब के अंदर, जिसके अंदर क्या है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, तीन ऑप्शन हैं। उसी पार्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे छोटा सा इसका डेफिनेशन रखा है। सेल्स, सबसे पहले एक्सेल में होम टैब के अंदर सेल्स पार्ट में कैसे कार्य करें सीख लो, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बहुत आना चाहिए हर चीज़। और मैंने यहाँ पे एक कॉपी करके क्रॉप करके रख दिया, इस तरीके से ये सिंबल दिखाई देता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, तीन आइकन्स हैं। सबसे पहले इंसर्ट है, दूसरा डिलीट है, तीसरा आपका फॉर्मेट है। इसी के अंदर अपन काम करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट है, मतलब इंसर्ट के अंदर आपका एडिटिंग एरिया, सेल्स, ठीक है, कॉलम, रो, ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं डिलीट। डिलीट एरिया क्या बताता है आपका, जैसे कोई आपका एरिया है सेल्स का, कॉलम और रो का, तो वहाँ से हम हटा सकते हैं। प्रेफ फॉर्मेट यदि सेल्स के आकार को समायोजित करने का काम करता है, मतलब यहाँ भी हमारा सेल होगा। सेल किसको बोलते हैं, ये एक्सेल है, जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, इसको सेल बोलते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। समायोजित मतलब होता है इसके आकार में चेंजेस कर सकते हैं, चाहे तो आप वो आकार कैसा भी बदलाव कर सकता है। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे कोई भी सेल्स ले रहे हैं तो उसकी हाइट बिट को चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं हाइट बिट के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। तीन पॉइंट हैं, समझ में आ गया, इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट। तो ये पॉइंट मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर PDF आपको मैं लिंक दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़। तो आपको ये नोट्स पहले से ही तैयार मिल जाएंगे। अब देख लीजिए अपन प्रैक्टिकली कैसे देखें और प्रैक्टिकली कैसे करें वो समझो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी एक्सेल की एक सीट ले ली है, जिससे आपको पूरा समझाएंगे एक एक करके पॉइंट को कि किस तरीके से ये काम करेगा। पॉइंट इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया जिससे सही दिखाई देगा। होम टैब के अंदर सेल्स, ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे जो बनाया है वो एक टेबल के रूप में बना लिया है। जैसे मैं यहाँ पे कोर्स में नाम लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने सी लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C++, और यहाँ पे मैंने लिख लिया सी, और यहाँ पे लिख लिया मैंने कंप्यूटर, COMPUTER। तो इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट लिख लिए, इनका रेट लिख दिया मान के चलो 5000, ठीक है। इसका रेट लिख दिया मान के चलो 3000, और इसका रेट लिख दिया मैंने 10000। पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके ये कॉमा वाला ब्रैकेट लगा दिया, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो ये सीट आपको दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे आपको सही तरीके से पूरा जो भी डेटा अपन ने लिखा है होम में जा करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से नंबरिंग को इंक्रीज कर लेते हैं। तो नंबरिंग को इंक्रीज किया, थोड़ा सा प्रॉपर देखने के लिए इसको शिफ्ट करना पड़ता है, ओके। अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जा रहा है कि कितने मंथ का है। जैसे मान के चलो सी प्लस में हम दे देते हैं 3 मंथ, 3M लिख देते हैं, M मतलब 3 मंथ, और C में दे देते हैं मान के चलो 2 मंथ, और कंप्यूटर में दे देते हैं 1 ईयर। कितना दे देते हैं, 1 ईयर। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लिए हैं ये सारे, ठीक है, 1 ईयर हो गया। तो इस तरीके की हमारी ये टेबल एक क्रिएट हो गई।
तो यहाँ पे अपन ने समझ में आ गया कि एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब बाद में हमें समझ में यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, जैसे यहाँ पे सेल जो फॉर्मेट है, अपन आज इसको ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट, इंसर्ट मतलब हमें ज़रूरत पड़ रही है, जैसे यहाँ पे हमें एक और रो या कॉलम, ठीक है, इंसर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ऑप्शन जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम्स, इंसर्ट सीट। तो यहाँ पे जितने भी आपके ये पार्ट हैं, इस तरीके से काम करेंगे अपन, समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेट वाले पे। बाद में हमें ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए इस टाइप का। तो देख लेते कैसे इंसर्ट होगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाना है। अब वो कह रहा है कि आपको किस साइड चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेल के अंदर कॉलम चाहिए, रो चाहिए, डाउन में चाहिए। जो जैसा भी अपन को सिलेक्ट करेंगे वैसा हमारा यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हमने चॉइस कर लिया एंटर कॉलम, तो एंटर कॉलम किया, देन ओके किया, देखो कॉलम आ गया, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमने इसको यूज किया और पूरे तरीके से वो कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखाई दे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इंसर्ट किया तो तुरंत आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कोर्स हो गया, स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, एन ए एम ई, एस नेम लिख दिया मैंने, तो यहाँ ए बी सी डी हो जाएगा। जैसे ए लिख लिया मैंने, यहाँ पे बी लिख लिया, यहाँ पे सी लिख लिया, ये हमारे स्टूडेंट के नाम हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा यहाँ पे, अभी तुरंत की तुरंत इंसर्ट करना सीखा। इंसर्ट समझ में आ गया, रो अभी मैंने कॉलम को इंसर्ट किया, तो कॉलम आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने इंसर्ट किया कॉलम को, समझ में आया कॉलम को, ये पार्ट कॉलम लिखा था। और रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, जैसे रो यहाँ पे चाहिए हमें, तो उस वाली लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे हमें रो चाहिए वहाँ पे। जैसे मैंने ये रो है, रो को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद डेटा हमारा शो होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है 6 नंबर वाली सेल में, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक अलग से रो चाहिए। तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट आपको दिख रहा है सेल के अंदर, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल में, और रो को क्लिक करेंगे तो रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको यहाँ भी कोई भी कोर्स लिखना है, नेम लिखना है, सारे डेटा आपको इक्वल मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हमने कोई एक दे दिया टाइपिंग, ये कोर्स दे दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मंथ, यहाँ पे नाम लिख दिया डी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मान के चलो 500 रुपये, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 मंथ। तो इस तरीके से समझ में आया दोनों चीज़ें, रो एंड कॉलम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही लेफ्ट और राइट और डाउन में आ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये डेटा आप बड़े आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहीं पे लेफ्ट राइट साइड चाहिए, तो ये आप ऑप्शन यूज करके इंसर्ट के अंदर जा करके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, डाउन में चाहिए, तो यहाँ से अपन सेलेक्ट किया राइट में, तो राइट साइड में आ गया, देखो शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल जेड वापस कर दिया। ऐसे ही मान के चलो हमें डाउन में चाहिए सेल के अंदर, तो डाउन में देखो डाउन हो गया, सेल नीचे चला गया पूरा, ये देखो नीचे की साइड में चला गया, पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, सही तरीके से शो हो रहा है पूरा डेटा। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर लूँगा, वापस हो जाएगा ये पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने जो जोड़ा है उसको सेल को डिजाइन कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, वो देख लीजिए। इंसर्ट समझ में आ गया, ऐसे ही रो को करेंगे इंसर्ट सीट हो जाएगा, कॉलम करेंगे कॉलम हो जाएगा, इंसर्ट सीट करेंगे सीट हो जाएगा, देखो नया सीट आ गया। जैसे ये हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी ये सीट लिया है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जैसे हमें क्या चाहिए, एक सीट रो चाहिए, तो सीट रो चाहिए, तो यहाँ पे सीट की रो आ गई अपनी, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया, वापस हो गया।
और मान के चलो यहाँ पे अभी कॉलम चाहिए तो कॉलम आ गया, देखो इस तरीके से। तो ये सीट के अंदर आप कोई भी डेटा बना सकते हैं, कंट्रोल जेड से मैंने वापस कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट में इंसर्ट, इंसर्ट लिखा है यहाँ पे सेल, इंसर्ट सेल का मीन्स होता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल नया आ जाएगा। देखो आ गया, तो यहाँ पूरी सीट आपकी कैसी आ गई, नई आ गई। ये सीट, ये 1 2 3 करके सीट लिखी रहती है, उसी के अनुसार आपका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। सीट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ऐसी सीट आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डेटा किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे जो डेटा को इंसर्ट किया उसको डिलीट कैसे कहते हैं वो देख लीजिए। सेम वो से ही होगा जैसे हमने अभी आपको कॉलम बताया इंसर्ट करना, अब उसको डिलीट करना है तो वहीं पे पहुँच जाइए। सिलेक्ट मैंने कर लिया है ये कॉलम, और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेम प्रोसेस करना है जैसे अभी किया था। तो जैसे सिलेक्ट किया किसको मैंने, कॉलम को, और कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अब देख लीजिए जैसे हमारा जो पहले था सेम प्रोसेस वैसे बन के आ गया। आगे समझ में, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये कॉलम तो हमने डिलीट कर दिया, इसके बाद हम किसको करते हैं, रो को। तो कहाँ जाना है, सबसे पहले रो वाले सेल में जाना है। रो वाला हमने कहाँ पे बढ़ाया, ये वाला बढ़ाया था, तो रो को सिलेक्ट कर लीजिए, जितनी रो हटाना है उतनी हट जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ, डिलीट पे जा करके इसको सिलेक्ट करना है रो वाला, ऑटोमेटिकली आपका रो वाला फिनिश हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने उसको यूज किया और डेटा इसके अंदर किस तरीके से कार्य करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इंसर्ट डिलीट, तो डिलीट मतलब होता है जो अपने यूज कर रहे हैं उसको डिलीट करते चले जाएंगे, ठीक है, चाहे वो कॉलम हो, रो हो या सीट हो, यहाँ से वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी पूरी। समझ में आ गया, तो ये डेटा आपको आसान हो गया होगा करना, कोई भी डेटा यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने मान के चलो अभी रो को डिलीट किया, तो देखो रो डिलीट हो गई, नीचे से हो गई, मैंने कंट्रोल जेड करके वापस ले लिया, जहाँ पे कर्सर रखा होगा वहाँ से डेटा वहाँ से हट जाएगा। जैसे ये डेटा है कॉलम, कॉलम वाला, तो मैंने कॉलम हटा दिया। कॉलम ऐसे होता है, खड़े में ऐसे कॉलम होता है, ये रो होता है, कंट्रोल जेड किया तो ये वापस आ गया। सीट को डिलीट करना है तो पूरी सीट आपकी एक कॉल में डिलीट हो जाएगी, जो कह रहा है आपसे यस करेंगे तो आपकी सीट एक बार में पूरी डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। तो ये क्या हो गया, आपका सीट तुरंत डिलीट हो गई, जिसमें हमने वापस नहीं ले सकते क्योंकि ये पहले से ही क्या थी, पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ये डिलीट कर दिया है, तो वो डेटा हमारा पूरा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को यूज करते हैं और किस तरीके से डेटा को डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और सीट निकाली जो पहले से रखी थी अपनी बनी हुई, उसको वो तो परमानेंट डिलीट हो जाती है क्योंकि जिसको अपन यूज कर रहे थे वो एक बार में ही यूज होती है, बाकी बाद में अपना ख़त्म हो जाता है उसका डेटा। पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा डेटा कि किस तरीके से यूज हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए कैसे काम करेगा। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मेट, फॉर्मेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये समझिए, सबसे ज़्यादा क्यों यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर सेल को बढ़ाना, घटाना, हाइड करना, ये सब चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। तो सेल के अंदर हम जैसे मान के चलो ये सेल है नेम वाला, ये लिखा है नेम, इसके अंदर सेल है, तो सेल को हम यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर सीट थी, और सीट को थोड़ा सही कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमने नाम वाला सीट रखा, ये नाम वाला हमें लग रहा है कि यहाँ पर नाम बन नहीं पाएगा, बड़ा नाम होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बिट हाइट इसकी बढ़ाना पड़ेगी। तो यहाँ फॉर्मेट में गए जैसे रो की हाइट बढ़ाना है, तो अभी कितना लिखा है 15.75 लिखा है, तो मैं यहाँ पर कितना कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली देखो इंक्रीज हो गया, इसकी हाइट बढ़ गई। इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो देखो वापस हो जाएगी, कम हो गई ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जाके इसकी बिट बढ़ाना है, तो ये लिखा है बिट, लिखा है इसकी बिट बढ़ाना है, तो बिट बढ़ा देंगे, कितना लिखा है 8.43, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15.43, तो 15.3 कर, देखो नाम
के अंदर ऑटोमेटिकली बिट बढ़ेगी जिसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं। और जैसे मैंने ऊपर वाले ऑप्शन से क्या किया था, हाइट बढ़ाया था, तो हाइट बढ़ गई थी यहाँ पे। तो जैसे भी हम यहाँ पे जितना डेटा को यूज करेंगे उतना डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हाइट एंड बिट, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जैसा भी सिलेक्ट करेंगे वैसा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा आपका एक बार में शीट करेंगे एक जैसी बन जाएगी सिलेक्ट करके। जैसे मान के चलो आपको हाइड करना है, और तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे और ये लिखा है हाइड। रो को करना चाहते हैं तो रो हो जाएगा, कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम हो जाएगा। जैसा भी डेटा आप जो करना चाहते हैं उसके अंदर वो डेटा आपका हाइड हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे, ये कॉलम है, कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हाइड करना चाहते हैं अपन, किसको, कॉलम को। तो यहाँ पे जाएंगे, ये सीट पूछ रहा है कि कॉलम को हाइड करना है, रो को करना है या सीट को करना है पूरे को। तो यहाँ पे मैं गया, किसको, कॉलम को किया, कॉलम हाइड हो गया। देखो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से हाइड हो जाएगा। और फिर वहीं पर जाएंगे वापस, आपको अनहाइड करना है तो अनहाइड पे जा करके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे किसको, कॉलम को। तो जैसे ही आप क्लिक करने पे आपका डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनहाइड लिखा है तो अनहाइड पे जाएंगे तो आपका शो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। और जैसे ही मान के चलो आपको रो हटाना है, रो को अपन को क्या करना है, हाइड करना है, तो रो देख लीजिए कैसे हो रही है, वो भी डेटा आपको समझ में आ जाएगा सही तरीके से। जैसे मैंने अभी ये डेटा सेलेक्ट किया, किसको, यहाँ पे इस तरीके से, तो कुछ सीट को नीचे ले लेते हैं। जैसे ये अभी मैंने सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया, ये वाले लाइन को। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रो को हाइड किया। तो सबसे पहले रो ऊपर लिखा है तो रो को हाइड कर रहे हैं, तो रो देखो ऊपर वाली हट गई हाइड। और यहीं से जा करके इसको क्या करेंगे, अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड में देखो रो आ रहा है अनहाइड में, उसको यूज कर लो तो आपका वापस आ जाएगा डेटा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यूज करना है हाइड और रो को, कॉलम, सारी चीज़ कर सकते हैं इसमें, आपको जो डेटा बताया गया वो पूरा हो जाएगा यहाँ से आता। तो ये समझ में आपको आ गया होगा पॉइंट। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। फिर आपका लिखा है री नेम सीट, मतलब सीट का यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको सीट पूरी दिखाई दे जाएगी। अभी यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है, ये दिख रहा है सीट 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है डायरेक्टली सीट का, तो फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जा करके ये लिखा है सीट री नेम सीट। तो यहाँ पे जाते ही आपका ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या रखना है, जैसे भी मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ उसका नाम रखा जाएगा यहाँ पे। तो जैसा भी डेटा बनाएंगे उसका नाम शो करके इसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने डेटा लिखा यहाँ पे, मान के चलो कंप्यूटर COMPUTER, तो देखो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर लिख के आ गया यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं सेल का नाम चेंज करना। तो यहाँ पे चेंज हो गया सेल का नाम, ये हमारी सेल किसकी बन गई, कंप्यूटर के नाम से बन गई। समझ में आ गया कि किस तरीके से डेटा को डिफाइन किया और डेटा बनने के बाद आपका डेटा कैसा शो हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सीट कैसे बनाई जाती है और सीट का नाम कैसे चेंज किया जाता है। ये यहाँ पर लिखा है सीट का नाम, तो यहाँ से ये फॉर्मेट के अंदर ही डेटा चेंज होगा। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, सीट के अंदर चेंज हो गया। अब लिखा है मूव द सीट, यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीट को हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे मैंने अभी टू सीट को सिलेक्ट किया, टू सेट सीट को मैंने सेलेक्ट किया, ब्लैंक दिख रहा है, और मैंने यहाँ से मूव कर दिया। तो देखो ऑटोमेटिक बोल रहा है कंप्यूटर कौन सी सीट को हटाना चाहते हैं, सेकेंड नंबर सीट को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने ओके किया तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई, हट गई। अब यहाँ पे कंप्यूटर वाली ऑप्शन में आ गया, कंप्यूटर वाला ऑप्शन हमने इस पर चॉइस कर लिया। उसके बाद फिर वापस जाएंगे उसी में, उसमें जाने के बाद नीचे लिखा है टैप कलर, तो टैप के साथ में कलर देना चाहते हैं तो कलर भी हो जाएगा आपका। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर का ब्लैक कलर पहले रखा था बैकग्राउंड में, और यहाँ से हमने टैप लगाया तो टैप के अंदर जैसा भी कलर आप चाहते हैं वैसा कलर देखो चॉइस हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, कलर वगैरह जैसा भी देना है आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, ग्रीन देना, रेड देना, जैसा भी। पॉइंट समझ में आ गया, फॉर्मेट के अंदर ये पार्ट है।
इसके बाद आता है नेस्ट प्रोटेक्टेड सेल, तो ये नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड सेल दिख रहा होगा और लॉक सेल दिख रहा होगा, फॉर्मेट सेल दिख रहा होगा। ये तीन पार्ट हैं, ये तीन पार्ट आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इसको हम लॉक कर सकते हैं यहीं से फॉर्मेट से। ठीक है, तो जैसे पूरा सीट करना है तो ऊपर वाले में जाएंगे, एक सेल करना है तो यहाँ पे जाएंगे। दो चीज़ें आपकी मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, पहले सेल करके, तो जैसे मैंने ये सिटी लिखा था, सिटी वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कौन से वाले ऑप्शन को? सिटी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको दिख रहा होगा, सिटी वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सेल के अंदर गया मैं। सेल के अंदर जैसे ही जाएंगे और आपका वो सेल कैसा हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मेट के अंदर ऑटोमेटिकली लॉक प्रोडक्ट बना देगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर फॉर्मेट में गए तो आपका डेटा ये शो हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे सीट के अंदर जाएंगे तो ये आपका लॉक पूछ रहा है, जो भी लॉक करना चाहते हैं सेल को, तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा, मैसेज में मैंने पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से ओके किया और वो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, फिर मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया उसी पासवर्ड को, री पासवर्ड बोलते हैं जिसको, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब डेटा यहाँ पे मैं क्या चेंज कर पा रहा हूँ, देखो कोई भी डेटा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली क्या मैसेज कर रहा है कि आपकी जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है, इसको अपन रीड कर सकते हैं ओनली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को चेंज नहीं कर सकते। देखो ऊपर हाइड हो गया तुरंत ही, और इसी के अंदर जाएंगे दोबारा और इसके अंदर देखो अब चेंज होकर के आ गया, ये लिखा है अनप्रोटेक्टेड सीट। तो जैसे ही यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सीट के अंदर क्लिक करेंगे और वो पूछ रहा है कि कौन सा पासवर्ड डाला है, उसी पासवर्ड को आपको अप्लाई करना होगा, देन उसके बाद ओके करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे कोई भी चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो गया, जैसे ही मैंने चेंज किया देखो लिखने लग गया तुरंत। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है, वो डेटा हमारा शो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।